ready to go. वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का भी व्लॉग मैं इतनी देर से स्टार्ट कर रही हूँ। इधर जो है ना, हम लोग कल पिकनिक की तैयारी कर रहे हैं, इधर मम्मी लोगों की तैयारी स्टार्ट हो गई। मैं ट्राईपॉड लेने आई थी और मैं सोची कि व्लॉग यहीं से शुरू करूँ। यहाँ पे देखिए, मम्मी अपनी तैयारी पूरी स्टार्ट कर दी, चीज़ा रख के, एंड उन्होंने थोड़े से स्नैक्स भी मंगा लिए उनके लिए, उनका फेवरेट पेप्पी। और इधर उन लोग के कपड़े भी रेडी है, मम्मी ये वाला पहनने वाले हैं एंड डैडी का ये थोड़ा गोवा वाइब का है। तो कल उन्होंने मीटिंग अटेंड करके आएंगे पिकनिक के लिए, तो उन अपने कपड़े यही पहन के जाएंगे। तो मेरा तैयारी है, मैं आपको जाके अब वो बताऊंगी। तो मेरे कपड़े भी निकाल ली एंड ये बैग ले रही हूँ मैं कल, तो इसमें भी सामान रख लेंगे हमारा जो जो भी है। तो यहाँ पे मैं अपना आउटफिट भी चेंज कर ली, तो मेरे को इवेंचुअली बैग भी चेंज करना पड़ेगा, तो जल्दी से चेंज। गाइज, मैं अपना आउटफिट चेंज कर ली, तो मेरे को बैग भी करना पड़ेगा, तो जो चीज़ें मैं इसमें डाली थी जल्दी से इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी एंड देन मैं सो जाऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइज, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड इट्स अराउंड 9 AM और अभी मैं रेडी हो गई। हम लोग का प्लान था जल्दी निकलने का, बट इवेंचुअली हम लोग को निकले जब तक 9 होते थे मैक्स, तो अभी निकलेंगे बाहर, नाश्ता करेंगे और जो भी होता मैं आपको बताऊंगी। तो घर में इतना केओस है ना निकलने के टाइम, तो मैं आपको अपना आउटफिट बताती हूँ। मैं कल रात में चेंज करी थी, ये लूज़ वाली कम्फर्टेबल डेनिम पहन ली थी, तो मैं आपको वो ही बताऊँगी। और चलिए चलते हैं, और ये छोटे से बैग में मैं अपना इतना सारा सामान रखी। सो गाइस, लेट्स गो, वी आर रेडी टू गो एंड जो है स्टिल गेटिंग रेडी। यहाँ पे थोड़े जने रेडी हो गए, फरजा को भाभी माँ बाजी लोग सब, अभी लोग सब जने निकलेंगे, हम लोग थोड़ी देर से निकलेंगे भी। चलो बाय। गाड़ी तो निकल गई एंड नेक्स्ट इस अंकल की भी गाड़ी रेडी है जाने के लिए। इधर भूमिका इज रेडी, शो योर आउटफिट, वेरी नाइस। थोड़ा पीछे जाके दिखाओ माँ, बाहर नहीं बोली मैं, अंदर आओ। गाइज, हम लोग ये छोटे से कैफे ढाबा जो भी बोलते इधर रुके चाय के लिए, सीधे चाय मिलती, पूछो तो चाय है क्या भूमि। तो गाइज, इधर देखिए हम लोग जो रेस्टोरेंट पे रुके, रेस्टोरेंट नहीं, छोटा मोटा सा ढाबा है, इधर चाय के लिए रुके और इतना अच्छा है यहाँ पे, ये अच्छा बने हुआ है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइज। सो लेट्स सी, अब उधर जाएंगे चाय पी के। इधर देखिए गर्म चाय भी आ गई एंड वी टुक समोसाज इज वेल। इतनी देर हो गई ना कि हम लोगों को अभी पहुंचे जब तक और होती, बिकॉज थोड़ा दूरी है। भूमिका ले लो चाय, वो क्या काली चाहिए। अरे मम्मी टेक, भाभी का उनको दे दो। और ये देखो छोटा भूमिका इधर है बैठे हुआ, जोहा देख के देदारी, सो क्यूट। मैं देखिए गाइस चाय एंजॉय कर रही हूँ, चाय एंड समोसा। चलिए गाइस, मेरी चाय हो गई कंप्लीट, चलते हैं यहाँ से, चलते हैं हमारे सफर की ओर। हम लोग गलती से थोड़ा आगे निकल गए थे, हम लोग को आना था शाद नगर, लेकिन हम लोग गलती से जटचला रोड पे चले गए थे, इसलिए आने में काफ़ी देर लग गई। फाइनली पहुंच गए फार्म इतने टाइम के बाद, गाड़ी में इतना दूर चलने के, आई इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं आपको जाके थोड़ा सा टूर दूंगी। किधर है पूल में आते ना भैया, पार्क के घर। अब उसके बाद जॉय भागो, हम लेके जाए पूल को। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। सो मैं आपको छोटा सा टूर दूंगी फार्म का। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्लाइड्स एंड ऑल है एंड आई गेस पूल वो साइड है, तो मैं उधर जाके बताऊंगी। इधर का गार्डन देखिए काफी प्यारा है, चलिए अंदर से दिखाएंगे आपको।
डग्स भी है। ओह नाउ अच्छा 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 चलो 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 ही सो एक्साइटेड। अरे बाप रे इन्होंने मेरे को पूरा बता रहे मुजम्मिल भाई। देखिए इधर डक्स भी है। ओ वाओ मेरे को मम्मू याद आ गई देख के इन लोगों को। इन लोगों का थोड़ा डेंजर दिख रहे गाइस। अम्मा हाँ चलिए गाइस अंदर जाके मैं आपको आ गए। और एक एंटर होते कितना अच्छा सा लिविंग रूम है। एंड ये साइड है थोड़ा लाइक जेंट्स मंजलिस बैठने के लिए। एंड ये है किचन। अस्सलाम वालेकुम ये लोग सब जने हैं जी। दादी अम्मी हाँ बहुत याद आई। मैं बहुत याद आई अल्लाह जोआ की नहीं आई। नहीं याद आई दादी अम्मी कितना याद करे। देखिए गाइस दादी सुमैया भी याद आ रही। सुमैया के बिना फार्म हाउस का फर्स्ट फार्म हाउस की ट्रिप है। हाँ कैसे दादी अच्छे अच्छा दिख रहा। अच्छा दिखा नहीं कैरिया का है झाड़ पे कैरिया। ओ वाव देखेंगे इधर देखिए गाइस सबकी आउटफिट्स। इधर इधर फरीदा अप्पू का देखिए मैचिंग मैचिंग वेरी नाइस। चलिए गाइस कैरिया तोड़ेंगे बाहर जाके। चलिए इधर एक रूम आई गेस ये किचन है। हाँ ये रूम्स है और ये थोड़ा सा एक हॉल है। उधर भी एक रूम है शायद। लेट्स सी ये हॉल के जैसा है शायद कुछ। ओ दिस इज ऑल्सो अ बेडरूम। इट्स क्वाइट नीट। चलिए बाहर चलते हैं। भाभी का इतना ब्यूटीफुल ड्रेस देखिए। बस आप लोग मेरे ऐसी मतलब एक व्लॉग में देखे ही होगा जोहा मीको और भाभी को सेम गिफ्ट करी। मेरा जो है ना उसका लेंथ काफ़ी लॉन्ग है और भाभी का उनके लिए बराबर आया। तो देखिए कितना प्यारा है। हम लोगों का कलर अलग अलग था लेकिन हम लोग सेम कर लिए थे। आज पहनना था मेरे को भी लेकिन मैं नहीं पहनी गाइस। मैं आपको घर जाके वो बताऊँगी। और ये देखिए इतना अच्छा है। इधर भी बैठ सकते अपन आके। चलो यहाँ पे देखिए दिस इज द एरिया वेयर द पूल इज। और यहाँ पे मेरे भाया बैठे हुए हैं। तो चलिए गाइज ऊपर जाएंगे। सनुआ भी लोग ना ऊपर की साइड है। ये है पूरा फार्म। गाइज हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। देखते हैं उधर पूरे लोग बैठे हुए हैं। दिख रहा आपको वाओ नाइस लेडीज ये रूम है। और ये चांद को देखिए। हेलो वालेकुम सलाम। सॉरी पहले सलाम करना चाहिए। लेट्स गो। दिस रूम इज गुड। अस्सलाम वालेकुम भाभी किधर कैसे आ रही हो। अस्सलाम वालेकुम आपको। देखिए कैरियो का झाड़। ये कैरिया कहाँ गई थी। ओके गाइस इधर मैं ना आपको बताई थोड़ा सा फार्म बहुत अच्छा है लेकिन इधर की गर्मी से तो ना मेरा ऐसा जान ऐसा हो रहा इसलिए ना हम लोग कुछ नहीं ढकल डालते तो मैं आपको पूल में कहते। और इजान का ये प्लान था पहले से कि मेरे को पूल में ढकल ला है। अगर तुम मेरे को ढक लेंगे पूल में खत्म फिर दुश्मनी हो जाएंगे अपनी। बॉल डाल दिया बच्चा ये। गाइस इधर बिरयानी का इंतज़ाम हो गया। ये जो जिसका फार्म हाउस है ना ये हम लोग के डैडी के दोस्त का ही है। डैडी लोगों के तो उनका रेस्टोरेंट भी है बाहर समा रेस्टोरेंट। तो उधर से ही खाना मंगा लिया हम लोग। आसिफ तरह देखिए ज़बरदस्त दिख रहे इधर माशाल्लाह। अच्छा दिख रहा आपको। सही बोले इधर सब इंजॉय कर रहे बैठ के। इधर जाके मेरे को कैरी तोड़ने का है जी। गाइस फाइनली जाके मेरे को कैरी दिख गई। झाड़ पे इतने सारे हैं ना माशाल्लाह लेकिन मेरे को खुद अपने हाथ से तोड़ना है। गाइस मेरे को ढूंढना है कहाँ पर है। मेरे हाइट की जीती तो भी रहना एटलीस्ट एक तो भी कैरी। ये फरीस और उनके बेस्ट फ्रेंड फर्रू इधर कैरिया छुपा लेके बैठे। मैं जब से ढूंढ रही तो भी नहीं दिए लोग। कैसे फुप्पू हो यार। फुप्पू रील्स में सही बोलते फुप्पू के बारे में। फुप्पू के बारे में रील्स में सही बोलते कैरिया छुपा के बैठे। वेरी बैड। इसे देखिए फुप्पू कौन से कैरी खाएंगे हम लोग थोड़ी देर में। और उन लोग के आउटफिट्स तो बड़े प्यारे हैं गाइस। हमारे कैरियों को नजर न करो। बड़े खूबसूरत आउटफिट्स पहन के हैं। अभी जोआ के मम्मी आपको भी कैरी होना। कैरिया तोड़ के खाते कते हो ना आपको कैरी। आसिफ तो सबको गुस्से में आ रहे डॉग्स कर नहीं जाना बोल के। क्या बोले तुम
कह रही है निकाल। तो मैं कैसा निकालूं, मैं लंबी हूँ तो मेरे को अब कितने पसीने पसीने लाल हो गए। तो अभी मुंह धोया जी, लाल टमाटर हो गए गाइस। तो मैं ऊपर से कैरी निकालने की कोशिश करूंगी इन लोग के वास्ते, निकालना इंशाल्लाह, लेट्स ट्राई। तो गाइस अब मैं चढ़ के कैरी निकालने वाली हूँ, बिकॉज मेरे को अब्बास बोला कि कैरी निकाल के दियो, इसलिए इसके लिए तो एक कैरी बनती है। लेकिन आ सकता है बड़े चढ़ना है, क्योंकि जैसे गिर गए ना हाथा पैरा टूट जाते। लेकिन वो कैरी निकाल के देखते हैं, उन्हें देखने से पहले नहीं मैडम कितनी बड़ी कैरी निकल गई। ओ सॉरी, और एक निकाल के देखेंगे उसके बाद में आपसे। एक कैरी सक्सेसफुली टूट गई, कहाँ गई बड़ी, सबसे बड़ी तोड़ी देखो मैं। हाँ यस, समूह दीदी खाओ आप, काट के समूह दीदी खाएंगे वो कैरी। तो गाइस अभी ना लंच की तैयारी हो रही, बिरयानी है लंच पे, जैसे कि मैं आपको बोली तो मैं आपको वो बताऊंगी। अभी ही और कैरिया तोड़ते जा रहे गाइस ये लोग। अभी हम लोग जा रहे समा रेस्टोरेंट, ये पूरे लेडीज मिलके ना रेस्टोरेंट जा रहे, समा रेस्टोरेंट जिसका है उधर। ओ माय गॉड, तो देखिए गाइस यहाँ पे है रेस्टोरेंट उनका, देखिए बहुत ही अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट एंड ऑल है यहाँ पर भी। यहाँ पर भी बैठ के खा सकते सैमी। समुद्री पूरा बच्चा पार्टी के लिए आइसक्रीम भी ले रहे, और यहाँ पे मैंगो खाते होंगे समुद्री। और इधर देखिए मेन्यू डिसाइड हो रहा रात के लिए, व्हाट इज गोइंग टू बी आर मेन्यू फॉर डिनर। इधर हमारे दो क्या बोलते इवेंट प्लानर्स बैठे हुए हैं, फार्म प्लानर्स। तो गाइज अभी खाने का हो गया, मेन्यू डिसाइड कर दिया, हम लोग लेडीज ही गए थे, बिकॉज लेडीज से अच्छा खाने का और कौन जान सकता। तो अभी अभी तो बिरयानी आएंगी गरम गरम, जो है ना देख आ जाएगा बिरयानी का, एंड चाय पकौड़े एंड समथिंग। तो अभी हम लोग जाएंगे रूम में एंड थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। ओहो हो, आसिफ तो यार देखिए बोल रहे थे देसी मुर्गी मिलती, नेचुरल फूड जबरदस्त मिलता है यहाँ पे। और आसिफ तो को तो बहुत पसंद आया यहाँ का फार्म हाउस, बिकॉज उन लोग के दोस्तों का ही है। तो अभी डैडी भी थोड़ी देर में इंशाल्लाह रहेंगे यहाँ पर। हम लोग ये वाले रूम में रह रहे गर्ल्स, और ये वाले भी पूरे बेडरूम्स में एसी है, एंड पूरा जो है ना जबरदस्त वेल फर्निश्ड है, बहुत ही मतलब होटल वाइब आ रही इधर आने के बाद। जी जी, और उधर भूमिका और जोहा का फोटो शूट चल रहा, बिकॉज इट्स भूमिका फर्स्ट ट्रिप, सो उन्हें बहुत एक्साइटेड है। हेलो भूमि, देखिए भूमि हीरोइन को आराम से झूले बैठ के जो है ना पिक्चर्स ले रही है, गाने इंजॉय कर रही। तो अब हम लोग ऊपर जाएंगे, थोड़ा काफ़ी गर्मी हो रही गाइस। दावत के टेबल्स लग गए और फूफू बैठ गए, ज़बरदस्त टेबल्स रेडी है को मेरी तरफ से, वेलकम टू माई दावत। उधर उधर लोग बैठे हुए हैं, देखिए देखिए इन लोग खाना शुरू भी कर दिए मेरे को छोड़ के। बिरयानी है और यहाँ पे पूरी बच्चा पार्टी बैठी हुई है, भूख लग रही देखो ये शख्स को, इसलिए उधर पूरा बिरयानी का देग है। इन लोग बिना बिना खाना लेके बैठे हुए इधर। गाइस इन लोगों का खाना चल रहा है यहाँ पे, इन लोगों का खाना खा रहे, बिरयानी इंजॉय कर रहे हैं, एंड हम लोग भी खाएंगे टेबल खाली होते ही, जब तक मैं थोड़ा गार्डन में फिर लूँगी और स्विमिंग पूल में पैर डालूंगी, बिकॉज बहुत ही गर्मी है गाइस। ठंडा है पानी, गुड। भूमि का जो है ना दादी अम्मी को लंच करवा रही, इतने प्यार से खिलाती माशाल्लाह हाथ से, तो उनका भी लंच हो जाएगा। तो उस मामा भी नमाज पढ़ रहे, एंड देन विल गो आउट, साथ में लंच कर लेंगे हम लोग भी। यहाँ पे हम लोग खाने के लिए बैठ गए, थोड़ी स्पाइसी है लेकिन जबरदस्त है, लेकिन बहुत अच्छी है टेस्ट, घी का मजा आ रहा और बेहतरीन टेस्ट आ रहा है। हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह हो गया लंच, इतना मजे का खाना था ना, थोड़ा स्पाइसी था, बट कोई बात नहीं। अब जोहा भाभी और जोहा रूम में है, तो हम लोग भी जाएंगे। अब चाय की क्रेविंग्स हो रही है गाइस में जी। यहाँ पे देखिए गाइज इतने आम ऐसा पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी तोड़े नहीं इसको। तो हम लोग जा रहे थोड़ी देर से कैरी तोड़ने, एंड सब इंजॉय कर रहे हो। अभी थोड़ी देर रूम में जाके रेस्ट ले लूँगी,
चलिए गाइस कहाँ जा रहे हैं? लोग रेस्ट ले लिए एंड अब मैं लोगों को व्लॉग में लेने आई। इसको देखिए आप, ये चांद जाके गुलाब जामुन बन गया आज जी। बिल्कुल कैसा ठहरे पानी में, मैं डर गई। और ये देखिए ये लोग पूरे इतने जने थी एंड आसिफ जया भी आज उतरे पानी में। देखिए इतना बड़ा होके भी इसे ट्यूब से तीरना है। अब मैं लोगों का स्लोमो में वीडियो लेने वाली हूँ। वाओ हाशिम दीदी के देखिए स्किल सो गुड। बगल पूल में चेयर के साथ गए। ओह माय गॉड, परी आपके हस्बैंड पूल में चेयर के साथ है, ये क्या बात है? रुको, ये क्या बात है? सुबह इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। पंकल वेरी नाइस, पूल में बैठ जा बोल रहे हो। पंकल पूल में बैठ जा रहा हूँ मैं। ओ शिट, पूरा पानी आया। हेलो, ये दोनों को देखिए। वाओ, नहीं है स्लोमो में, कोई बात नहीं, आ जाओ। चलिए गाइस, हम लोग चाय का इंतजाम करके आए। घसनी है, चलिए गाइस जंप करो, तुम जंप करो। चलिए गाइस, ये लोग का चलते रहेगा, हम जाएंगे चाय का इंतजाम करने के लिए। चलो चल रहे तुम भी रेस्टोरेंट। गाइस इधर ना पूरे आम के झाड़ है, थोड़े और थोड़े अलग अलग टाइप के, नहीं पूरे आम के ही है हर जगह। तो अब डैडी लोग भी आ गए, अब हम लोग जाएंगे चाय की बात करके। पूरा मेरा कच्चा कर दिए सुनो अपने लोग। इस सनुआपी के मम्मी देखिए पूरे कैरिया तोड़ रहे डंडा लगा के। वाह भाई क्या बात है सनुआपी। ये हम लोग चाय का बात करने आए लोगों की, जब पिकनिक अभी से स्टार्ट हो गई। ये सांप भी आ गए। चलो चाय बाहर से बात कर ली, अब जा रहे हम लोग। हाँ, के साथ जो है ना उनके दोस्त भी है जो यहाँ के ओनर है, तो उन लोग बैठ के अभी लंच कर रहे हैं। हम लोग निकलेंगे चाय लेके। हम लोग जो है ना हाईवे की रोड पे है गाइस, चाय लेके जाएंगे किसको? देखिए चाय लेके हम लोग जा रहे सबकी। हम लोग बच्चियाँ इतने काम के हैं ना गाइस हमारे घर में। और सामिया दी देखिए कप्स एंड ऑल ले लिए। चलिए चलते हैं अंदर। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो गया गाइस, पूरा लेडीज चाय का इंतजार कर रहे। सनसेट का टाइम हो और गरम गरम चाय हो। गरम चाय, चाय 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 ले लो चाय दादी। अम्मी चाय गरम गरम सनसेट के टाइम पे पीएंगे अपन। इतनी बहुत को थोड़ी कम वाली लो आप। आई आई दादी, दादी आपको अप्रैल फुल बना रही है आपकी पोतरी, बड़ी पोतरी। हाँ हाँ, चाय भाभी पहले ले चुके हैं, मैं सब देख ली, वेरी बैड। अब हम लोग जाके चाय सबको बांटेंगे। चलिए, ओ माय गॉड, ये देखिए गाइस प्यार देखिए हमारे सास बोले कहते। ओहो, अब अब बाहर जाके सबको चाय देंगे सनु आपी। और इधर पूल से निकले ही नहीं अब तक। व्हाट इज दिस यार, चाय लेके आ गए हम लोग। चाय लेके आए मगर पिलाए नहीं, लेके आ रहे भाई बाहर नहीं आते। बाहर आए तो एकदम सर्दी होना शुरू हो गई। अरे रखे दियो हमारे को। हाँ दियो हमारे को। क्या भाई, कुर्सी बैठ के पियो पानी में। हाँ कुर्सी, कुर्सी का है ये, कौन निकाले कुर्सी का आइडिया? इस पंकल का था क्या? इधर देखिए सब जने चाय अब पीते जाएंगे, एंजॉय करेंगे। ये देखिए फरीसा पप्पू और फर्रू का नेक्स्ट आउटफिट। इन लोग तो मस्त आउटफिट चेंज कर रहे, और हम लोग को देखिए वही हालत में बिना मेकअप की चप्पल। यू कैन पुट वेरी नाइस नेक्स्ट चप्पल, नेक्स्ट चप्पल। और भूमिका को देखिए मस्त चिल कर रही। मौसम अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा बेटर होते जा रहा, जैसे कि आपको दिख रहा। Two hours later. Guys, after a really good nap, मैं उठ गई अभी और अब नीचे उतरूंगी। और देखिए पूल अब खाली हो गया, इतना सुकून दिख रहा। और ये बच्चा पार्टी सब निकल गए जी। अब मैं नीचे जाके देखूंगी कि क्या है नीचे के प्लान्स। इधर भी एक रूम में थोड़े जीन्स थे और नीचे के दो तीन रूमों में भी। तो देखिए इधर डिनर का पूरा इंतजाम हो गया, पूरे एक दो तीन चार पांच टेबल्स लग गए। एंड दिस इज दाल पहली चीज, सो लेट्स गो। आगे
मिर्ची साथ एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ना हम लोग निकलने वाले हैं, सब रेडी है अभी। तो अभी जो है ना हम लोग रेस्टोरेंट पे गए, आसिफ जामी को लेके जाने वाले हैं, तो उधर उधर से निकलेंगे फिर घर के लिए। डिनर एंड ऑल सब हो गया और यहाँ का खाने का टेस्ट इज सो गुड गाइस। तो अभी जो है ना जो भी बात बात करना था वो कर लिए। यहाँ पर पूरा फैमिली सेक्शन भी है देखिए खाने के लिए, एंड खाने की क्वांटिटी एंड क्वालिटी तो इतनी ज़बरदस्त है ना। यहाँ पर भी अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है एसी का ज़बरदस्त, और बाहर भी देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है। और ये आसिफ भाई है, वाली साहब है, समा फॉर्म हाउस के और होटल के, ये समा फॉर्म हाउस के और रेजिडेंस के ओनर है आसिफ भाई, और हमारे आरिफ भाई के खास दोस्त हैं, ये उनके फर्जन है, वो भी फर्जन है। जैसे माशाल्लाह काफ़ी बहुत अच्छी होटल है और फॉर्म हाउस भी अच्छा है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज है और बहुत अच्छा नीटनेस है, मेनटेन कर रहे माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत काफ़ी अच्छा दिखा। होटल भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है, और जैसो वर्कर्स भी अच्छे हैं इन लोग के, और मेंटेनेंस भी अच्छा है इन लोग का, और डिलीवरी भी अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मज़ा आया जैसा सारा दिन, अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम हमारी फैमिली को फ्रेंड सर्कल में इंशाल्लाह ताला रेगुलर हम यहाँ आएंगे जी सर। ये सारे गाड़ियाँ रेडी है निकलने के लिए यहाँ से। यहाँ पे हम लोग रुके आशियाना पे द मस्त चाय की प्लेस, बिकॉज चाय बहुत जरूरी है। पे आ गई गरम गरम चाय, लीजिए देख लीजिए चाय। यहाँ पे देखिए फर्रुख को भी रुक गए, एंड हम लोग अब निकलने वाले बिकॉज इट्स ऑलरेडी लेट। तो चलिए चाय तो जबरदस्त थी, अब यहाँ से निकलेंगे, दादी हमें घर पे मिलेंगे, बाय बाय सन्नू आपी। चलिए गाइस चलते हैं, इतने थके हुए थे कि ये व्लॉग मैं कार में ही एंड कर ली। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, चलते हैं, टेक केयर।